Today is 8th of September 2021 and topic is integration. ठीक है, यहाँ सबसे पहले आपको समझना है कि डिफरेंशिएशन और जो इंटीग्रेशन है उसके बीच में क्या डिफरेंस है या फिर क्या सिमिलैरिटी है या फिर क्या इंटर रिलेशनशिप है वो आप समझिए। ये इंटीग्रेशन का हम लोग साइन देते हैं, ठीक है, और आपको दिया रहेगा इंटीग्रेट आप कर रहे हैं, मान लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ से एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो दिस विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा मेरा एफ एक्स। कहने का मतलब क्या है, ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दे आर इनवर्स टू ईच अदर, ठीक है, सो वी कैन राइट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन है, सो वी कैन राइट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एज इनवर्स टू ईच अदर। ओके, कैसे है अभी आपको पता चल जाएगा, इंटीग्रेशन आर इनवर्स, each other, आवाज सुनाई दे रहा है ना, हेलो, यस और नो, यस सर, ओके, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर आप डिफरेंशिएशन जानते हैं तो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन मतलब दोनों की एक टाइप का ही। अब यहाँ पे आपको समझना है नेक्स्ट पॉइंट, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, अभी कहने का मतलब है कि एफ डैश एक्स क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एफ एक्स, ठीक है, तो उसका आप इंटीग्रेट कर, ठीक है, तो फंक्शन रहेगा, ठीक है, तो इसी चीज पे आपका आधारित है टोटल। एक फर्स्ट जैसे कि यहां जो आपको याद रखना है वो है x टू द पावर n dx, ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हम मान लेते हैं, ये फर्स्ट हम, सो दिस विल बिकम द सेकंड, ठीक है, x टू द पावर n dx, तो अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं x टू द पावर n dx, इसका मतलब यू कैन राइट दिस एज x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ठीक है, और साथ में आप क्या करते हो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ऐड करते हैं, ठीक है,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे एन जो है वो -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में एन -1 हो जाएगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, एन कैन नॉट बी -1। ठीक है, अब इसको आप यूज कर सकते हैं, जैसे मान लिया अगर हमने बोला, क्वेश्चन दे दिए हम आपको कि इंटीग्रेट एक्स टू द पावर 8 dx, सिंपल है आपका फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन मतलब एक्स टू द पावर 8 + 1 बाई एट प्लस वन। ठीक है, इसका मतलब दिस इज एक्स टू द पावर 9 बाई 9 + 3। ठीक है, काफी सिंपल है ये फॉर्मूला का यूटिलिटी। एक दूसरा हम लोग देख लेते हैं, हमने आपको बोल दिया 1/√x, 1/√x dx। अब इसको हमको पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर -1/2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है मेरा n+1 - n+1/(n+1) कर देंगे, तो -1/2 + 1 / -1/2 + 1। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू कैन फाइंड, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 1/2 और नीचे 1/2। ठीक है, और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगता रहता है। ठीक है, तो अगर छूट भी जाता है तो उसको आपको मान के चलना है। ये कितना हो जाएगा मेरा, 2√x। तो दिस इज 2√x + c। ठीक है, इस तरीके से आप इस फॉर्मूला का, एक्स टू द पावर एन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं तीसरा जो फॉर्मूला है जो आपको याद रखना। हमने आपको क्या बोला है कि इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव जो आप निकाल रहे हैं, फंक्शन एफ एक्स का जो डेरिवेटिव है उसको इंटीग्रेट करते तो फंक्शन आता है। ठीक है, इसको अगर हम लोग लिखें कॉस एक्स का dx तो मेरा क्या आएगा, साइन एक्स आएगा, यही है ना, क्योंकि क्योंकि वाई वाई दिस बिकॉज डिफरेंसिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। आपको क्या बोला गया, ये रिवर्स इनवर्स होता है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स होगा। उल्टा है, आप इसको देखिए, साइन एक्स का कॉस एक्स हो रहा है, तो आप देखिए यहाँ कॉस एक्स को आप कर रहे हो इंटीग्रेट कर रहे हो तो साइन एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसी तरह फोर्थ फॉर्म्यूला जो आपको याद रखना है, साइन एक्स आपको दिया रहा सर, साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज माइनस कॉस एक्स। ठीक है, फिफ्थ फॉर्मूला, ये सब आपको याद रखना है। सेक स्क्वायर एक्स है तो टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, याद है डिफरेंसिएशन। तो जब इंटीग्रेट करेंगे सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स को तो मेरा टेन एक्स है। ठीक है, तो अगर डिफरेंसिएशन के फॉर्मूला याद है तो जस्ट उसको उल्टा कर देना है आपको, आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। जैसे आपको पता होगा कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो अगर हम इंटीग्रेट करें कोसेक स्क्वायर एक्स तो मेरा वो हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। ठीक है, सातवां देखिए, सेक एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक एक्स टेन एक्स होता है, तो अगर हम सेक एक्स टेन एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा,
सेक एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम कोसेक एक्स कॉट एक्स को इंटीग्रेट करते, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा, माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है वो इनवर्स है एक दूसरे के। उसी तरह आपको डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स दिया रहता है, तो उसका ई टू द पावर एक्स का क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। उसी तरह अगर आप इंटीग्रेट करते हैं ई टू द पावर एक्स डी एक्स को, तो ये भी आपका ई टू द पावर एक्स ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ए टू द पावर एक्स दिया रह सकता है, ए टू द पावर एक्स डी। सो दिस इज ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग टू द बेस ई ए, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जब आप डिफरेंशिएट करते हैं, यहां पे अब आप डिफरेंशिएट करोगे जब इस वाले पोर्शन को ए टू द पावर एक्स को डिवाइडेड बाय लॉग टू द बेस ई ए, इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो दिस कैन बी रिटन एज लॉग टू द बेस ई ए इंटू ए टू द पावर एक्स बाय लॉग टू द बेस ई ए, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएट हो रहा है ना। तो मेरा ये क्या हो गया, ये और ये पोर्शन कैंसिल हो गया, तो मेरा यहाँ ए टू द पावर एक्स। तो आप देख रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग टू द बेस ए ए एक्स आ रहा है, तो ए टू द पावर एक्स डी एक्स ए टू द पावर एक्स बाय लॉग टू द बेस ए आना चाहिए, तो आएगा ही क्योंकि वो इनवर्स है। अब देखिए, अब आपको बोला जा सकता है वन इंटीग्रेट कीजिए वन बाई एक्स डी एक्स को। अब वन बाई एक्स किसके डिफरेंशिएशन के कारण आता था, लॉग एक्स के डिफरेंशिएशन के कारण आता था, लॉग टू द बेस ई एक्स के डिफरेंशिएशन का वैल्यू वन बाई एक्स आता था, ठीक है। अब क्या है, अब इनवर्स में आइए, तो डिफरेंशिएट जब आप साइन इनवर्स एक्स को करते थे क्या आता था, वन बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, मेरा साइन इनवर्स एक्स आ गया, उसी तरह कॉस इनवर्स एक्स टैन इनवर्स एक्स, ये कॉस इनवर्स एक्स का हो गया माइनस वन बाय रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये मेरा कॉस इनवर्स एक्स का हो गया, ठीक है। उसी तरह आपका टैन इनवर्स एक्स जो हो गया वो क्या होता था, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर होता था, तो इंटीग्रेट अगर वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स कर देंगे, तो दिस विल बी टैन इनवर्स एक्स। काफी आसान, हालांकि इतना आपको फिजिक्स में यूज नहीं होता, ठीक है। फिजिक्स में जो कुछ बेसिक फॉर्मूला है उसी को यूज किया जाता है, ठीक है, या उसका ही यूज आएगा। जैसे कॉट इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, सो दिस विल बी कॉट इनवर्स एक्स डी एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। उसी तरह सेक इनवर्स एक्स हो सकता है, ठीक है, तो इंटीग्रेट कीजिए आप वन बाई एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है आपको, तो आप देख रहे हो कि हम आसानी से इंटीग्रेशन का भी लिख सकते हैं, ठीक है। 17th देखिए,
हम क्या करेंगे, कोसेक इनवर्स एक्स लिखेंगे, तो माइनस वन हो जाएगा ऊपर डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, दिस विल बी कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं काफी आसानी से हम लोग इसको लिख लिए, अगर मेरे को डिफरेंशिएशन याद है तो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज और चीजें हैं जो कि याद रखनी है, जैसे कि 18th अगर हम बोले, अगर हम सिर्फ dx दिया है, इंटीग्रल dx दिया है, दिस इज x, क्योंकि ये 1 है और 1 को आप क्या लिखते हैं, x टू द पावर 0 लिखते हैं, फॉर्मूला के अनुसार क्या हो गया, x टू द पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1, मतलब x टू द पावर 1 बाई 1 व्हिच इज x। ठीक है, उसी तरह अगर हम ऐसे लिखें dy बाई dx, इंटीग्रल dy बाई dx इंटू dx, तो dx dx कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा क्या बचेगा, इंटीग्रल dy बचेगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू वाई। ठीक है, कहने का मतलब है कि सिंपल वे में हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला है जिसको हम लोग अभी यूटिलाइज करना सीखेंगे, कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं। और फिजिक्स में बहुत ज्यादा आपको इस्तेमाल होता नहीं है। ये ज्यादा टेंशन लेने का दरकार नहीं है। अब जैसे मान लिया रूल की हम बात करें, अगर हम देते हैं आपको कोई कांस्टेंट है और फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट बाहर चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमें फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे f(x, dx)। ठीक है, तो कहने का मतलब रूल कह रहा है कि कांस्टेंट को बाहर कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह अगर हम आपको बोलते हैं, इसको हम रूल्स देते हैं, नाम तो अच्छा रहेगा, फर्स्ट कांस्टेंट को बाहर कीजिए, सेकंड मान लेते हैं अगर आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो यू प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए डब्ल्यू, ठीक है, डी एक्स, तो सबको अलग अलग कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यू डी एक्स प्लस माइनस वी डी एक्स प्लस माइनस डब्ल्यू डी एक्स। ठीक है, ठीक है, तो सबको आप अलग अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको ये सब ध्यान देना है। उसी तरह तीसरा रूल कहता है कि ये सब रूल आपको यूज आएगा। ठीक है, जैसे मान लिया अगर आपको ये डेरिवेटिव है एफ डैश ए एक्स प्लस माइनस बी, ठीक है, अब यहां देखिए एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, इसको आपको देखना है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ए है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, वो क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है वन बाई ए एफ ए एक्स प्लस माइनस, बस यही होगा आंसर। ठीक है, तो आपका जो भी इंटीग्रेशन आएगा आएगा, लेकिन जो एक्स कोएफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये काफी आसान है। अब जैसे कि अगर इसका हम एग्जांपल दें, तो मान लेते हैं इंटीग्रेशन हम देते हैं आपको सेक स्क्वायर 3x dx। ठीक है, अब tan x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, मतलब ये इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का क्या होगा, tan x होगा, लेकिन यहाँ tan ही, यहाँ x नहीं है 3x है, ये क्या होगा tan, और x की जगह हम क्या लिखेंगे 3x लिखेंगे, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे मेरा x का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, तो उसको मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि रूल 3
यही बताता है। ठीक है, तो आप इंटीग्रेट तो कर दो रूल से, लेकिन कोएफिशिएंट आपको देखना है कि कोएफिशिएंट एक्स का क्या है, उस कोएफिशिएंट से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपका आंसर आएगा। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। जैसे कि मान लिया हमने आपको दिया इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करने दे रहे हैं साइन एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। काफी आसान है, ठीक है, आप इसको मेंटली भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको प्रोसेस समझाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स सबको अलग अलग करके लिखना है, साइन एक्स डी एक्स माइनस 2 बाहर आ जाएगा, 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अब आपको फॉर्मूला जस्ट अभी आपको बताया गया है, साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, दिस विल बी माइनस कॉस एक्स माइनस 2। 1 बाई एक्स किसका होता है, लॉग एक्स का होता है, लॉग एक्स, और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है, और एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हम लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो इसी तरह का आपको यूज होगा। एक दूसरा आपको बताते हैं, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, लेट्स से आपको दिया है साइन 2x+3 dx। अब साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स, यहाँ माइनस लिखना है, कॉस लिखना है, और एक्स की जगह यहाँ पे क्या है, 2x+3 है, तो 2x+3 लिखना है। अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है पूरा। एक्स का कोएफिशिएंट देखिए क्या है, 2 है, मतलब मेरे को इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना। ठीक है, ये मेरा प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब है, एक और दूसरा प्रॉब्लम हम ले सकते हैं, आई 1 बाई लेट्स से 1 प्लस 9x2। अब आपको ये देख के लग रहा है कि ये 1 बाई 1 प्लस x2 के फॉर्म में है, मतलब ये टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। इसको पहले उस फॉर्म में ले आएंगे, 1 बाई 1 प्लस, ये मेरा क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर। अब ये मेरा 1 बाई 1 प्लस x2 के फॉर्म में आ गया। अब 1 बाई 1 प्लस x2 का फॉर्मूला क्या होता है, टैन इनवर्स एक्स होता है, बट यहाँ पे क्या है, टैन इनवर्स 3x होगा, ये 3x का स्क्वायर। अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट 3 है, तो मेरे को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब दूसरा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे मान लिया हमने आपको दे दिया इंटीग्रेशन e टू द पावर 5x माइनस 1 बाई रूट ओवर 4 माइनस x dx। ठीक है, ये दे दिया गया, अलग अलग करके लिखिए इसको। ठीक है, वन बाय रूट ओवर 4 माइनस x।
अब यहाँ देखिए e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, तो ये e टू द पावर 5x हो गया, लेकिन मेरा यहाँ कोएफिशिएंट x के आगे 5 है, तो इसको मेरे को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो पार्ट है इसको आप ऊपर जब ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 4 - x^-1/2 हो जाएगा। अगेन वो फॉर्मूला जो है x^(n+1)/(n+1) उसको आप इस्तेमाल कीजिए और सॉल्व कीजिए, e^(5x/5) माइनस ये मेरा क्या हो जाएगा 4 - x, -½ + ½ हो गया, और नीचे भी -½ + ½ हो गया। मेरा आंसर आ गया e^(5x/5)-। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान देना है कि x के आगे कोएफिशिएंट क्या है, -1 है, उससे आपको डिवाइड करना होगा। ठीक है, प्लस रहता तो +1 होता, जो भी है कोएफिशिएंट, तो माइनस है तो -1 करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हम प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, ये 2 √(4 - x)+c। तो काफी सिंपल क्वेश्चंस होता है और आपको यही सब पूछा जाता है। आप इसमें इंटीग्रेशन बहुत तरीके से आपको किया बताया जाएगा, जब आप 11th 12th क्लास में उसको पढ़िएगा। तो सिर्फ हम नाम बता दे रहे हैं क्योंकि इसमें हम जाएंगे नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होता है क्योंकि मैथमेटिक्स का पोर्शन है, तो टाइम वेस्ट करके कोई फायदा अभी फिलहाल नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है जिससे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड है जिससे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा मेथड जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स जब लीजिएगा तब आपको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल के लिए फिजिक्स के लिए जितना चाहिए वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन यही है। ठीक है, तो इतना से हमारा काम चल जाता है। अब यहाँ पे एक दूसरा हाफ जो हमको फिजिक्स में चाहिए वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो वो बताना अति आवश्यक। ठीक है, वो नहीं समझ में आएगा तो फिर आप इवेलुएट नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब कि आप डेफिनेट एक वैल्यू पाइएगा। ये काफी सिंपल है, पहले आप उसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं इंडेफिनेट, और उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है वो वैल्यू पुट करके आप उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं इसका है कि आपका ए टू बी, आपका ए लोअर लिमिट है, बी अपर लिमिट हो गया, और आपको कोई फंक्शन दिया है जिसको आपको इंटीग्रेट करना है, जिससे f(x)g(x) दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये इसका कुछ इनडेफिनेट वैल्यू आएगा, लेट से कैपिटल f(x)g(x) आ रहा है। ठीक है, और इसको अब आप लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b करना है। अब ये बोलता है कि x की जगह पहले आप ये निकालिए, पुट कीजिए। ठीक है, एक्स की जगह आप पहले अपर लिमिट पुट कीजिए, तो दिस विल बी एफ बी, और फिर इसमें से आपको लोअर लिमिट पुट करके घटा।
एक्स की जगह ए पुट कीजिए। तो कहने का मतलब आपको एफ बी माइनस एफ ए निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल इसका एग्जाम्पल अगर हमको देना हो, तो मान लिया हमने आपको दिया इंटीग्रेशन, ये लेट्स से लोअर लिमिट 1 दे देते हैं, अपर लिमिट 2 दे देते हैं, ठीक है, और ये सिंपल दे देते हैं आपको एक्स स्क्वायर दे देते हैं, लेट्स से -1/x दे देते हैं, ठीक है, और +1 दे देते हैं dx। काफी सिंपल इंटीग्रेशन, इसको अब आप का डेफिनेट वैल्यू निकाल दो। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, इसको सॉल्व करना, इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, इस तरह का ब्रैकेट डाल देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 पुट कर देंगे। अब इसको अंदर सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, मेरा एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, इंटीग्रेशन x³/3 आएगा, x^(n+1)/(n+1)। 1/x का क्या आता है, log x आता है, तो -log x, और 1 का क्या आता है, x आता है। ये मेरा हो गया सॉल्व। अब हमको क्या करना है, एक बार अपर लिमिट पुट करना है और फिर लोअर लिमिट पुट करके घटाना है। तो पहले अपर लिमिट x की जगह 2 पुट करेंगे, 2³/3 -log 2 +2, ठीक है, ये मेरा हो गया अपर लिमिट पुट किए, फिर बीच में माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे 1³/3 -log 1 +1। अब इसमें से जो सॉल्व होता है उसको हम सॉल्व कर लेंगे, जैसे ये मेरा कितना हो गया 8/3, 8/3 हो गया, ये हो गया -log 2 +2, और इधर हो गया -1/3, log 1 0 होता है, और ये ±-1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखो 8/3 में से 1/3 घटा तो 7/3 हो गया -log 2, और 2 में से 1 घटा तो 1। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरा 7/3 + 1 10/3 हो गया -log। अब इससे ज्यादा हम रिड्यूस नहीं कर सकते, तो यही मेरा आंसर हो। ठीक है, तो सिंपल वे में कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, और उसके बाद आपको प्रॉब्लम को पुट करके चलना है। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट कीजिए, उसमें से लोअर लिमिट पुट करके उसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे एक और चीज है, वो है चेंज। अगर आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आपका जो लिमिट है उसका वैल्यू चेंज होता है। ठीक है, तो चेंज इन लिमिट्स ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि लिमिट भी चेंज होगा अगर आप सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल हम आपको यहाँ बताएं, चेंज इन लिमिट्स ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे कि मान लिया हमने आपको दिया है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से लेके मान लिया 1 दिए हैं, ठीक है, और ये आपको दिए हैं tan inverse x का स्क्वायर π/1 + x² dx। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम आपको बताए नहीं है, तो इससे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि किस तरीके से हम इसको सब्स्टिट्यूट करें। तो अगर हम tan इनवर्स x को t पुट करें, पुट tan इनवर्स x को मान लेते z पुट करते हैं, ठीक है, tan इनवर्स x को हम z पुट करते हैं।
अब आप इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, ये आफ्टर डिफरेंशिएटिंग टैन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 + x² होता है। इसका डिफरेंशिएशन करके मेरा ये आ जाएगा dz, ठीक है। तो कहने का मतलब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट करके हमको ये मिल रहा है। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरा वैल्यू जो आएगा वो कुछ ऐसा है, tan इनवर्स x की जगह z² हो गया और dx/1 + x² की जगह dz हो गया। बट मेरा लिमिट भी तो चेंज होगा, तो अब लिमिट चेंज होगा तो उसको देखिए, लिमिट क्या था, पहले था जीरो, जब एक्स जीरो है क्योंकि यहाँ केस में देखिए प्रॉब्लम में एक्स है वो, और आपने सब्स्टिट्यूशन जेड कर दिया है, ठीक है। तो जब एक्स जीरो है तो मेरा जेड क्या होगा, ठीक है, तो जेड बराबर टैन इनवर्स एक्स है, z बराबर tan इनवर्स 0, तो आपको पुट करके उसका वैल्यू निकालना है, z बराबर tan इनवर्स x है और x आपने 0 लिया है, तो tan इनवर्स 0 इसका मतलब 0, तो जब x 0 तो z 0, मतलब यहाँ लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या है x का 1, तो अब आप 1 पुट कीजिए, x = 1। अब आप देखिए z का वैल्यू क्या आता है, z = tan inverse 1, tan inverse x, tan inverse 1, और tan inverse 1 कब आता है, tan 45 डिग्री पे आता है, मतलब π/4, ठीक है, मतलब मेरा लिमिट चेंज होके हो गया, अपर लिमिट चेंज होके हो गया π/4। अब सही है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, z³/3 हो जाएगा, z² का इंटीग्रेशन, ठीक है, और इसका लिमिट आपको पता चल गया, चेंज्ड लिमिट्स 0 to π/4। अब आप इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, सबसे पहले z की जगह π/4 पुट कीजिएगा, और जीरो घटेगा फिर लास्ट, ठीक है, -0, 0 तो 0 ही है, ये मेरा कितना हो गया π³/64 × 3, 180, 12, 192, मतलब π³/192। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमारा लिमिट भी चेंज हो जाता है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग को, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम लोग को मदद करता है, डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। हालांकि इस प्रॉपर्टी का यूज मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में होगा, फिजिक्स में आपको जितना समझना था वो यही करना है, ठीक है। यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 1 अगर हम बात करें, तो अगर हम बोलते हैं कि इंटीग्रल a to b fx dx है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी के अनुसार हम इसको लिखते हैं, ए टू पी कोई दूसरा फंक्शन हम ले लेते हैं, fz dz, ठीक है, तो इंटीग्रल fx dx a to b इज इक्वल टू इंटीग्रल fz dz a to b, ठीक है। ये एक पहली प्रॉपर्टी है जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इंटीग्रेशन सॉल्व, उसके तो दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि आपका इंटीग्रल a to b fx dx दिया होगा, ठीक है, और जब आप इसका लिमिट रिवर्स करते हो, ठीक है, तो माइनस साइन हो जाता है। कहने का मतलब है जब b to a करेंगे इसको, ठीक है,
मेरा साइन उल्टा हो, माइनस हो, ठीक है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, लेकिन माइनस होना चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट है जो कि प्रॉपर्टी है। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने में इस्तेमाल करते हैं वो है, मान लिया आपके पास इंटीग्रेशन करने दिया है ए टू द पावर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, ठीक है, हम इसको दो भाग में तोड़ सकते हैं, ठीक है, हम इसको ए टू सी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस सी टू बी, ठीक है, तो बीच में हम क्या किए, स्प्लिट जर्नी ले लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ए ए टू पहले ए टू डायरेक्टली बी जाना था, बट हम क्या किए, इंटरमीडियरी एक पॉइंट लिए सी, वहां तक गए, फिर हम सी टू बी गए। ये कंडीशन तभी है जब सी जो है वो ए और बी के बीच में लाइन करता है, तब हम स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है, और उसको कर सकते हैं। उसी तरह चौथा प्रॉपर्टी जो है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस्तेमाल होता है वो होता है, अगर मान लीजिए जीरो टू ए आप ले रहे हैं एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज जीरो टू ए एफ ए माइनस डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन के जो रादर डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होते हैं सॉल्व करने के लिए वहां हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसी तरह एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि अगर हम माइनस ए से माइनस ए से प्लस ए जा रहे हैं फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, अगर हम ये है मेरा एफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू ए, सो दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, आंसर आएगा 0 टू ए 2 टाइम्स एफ एक्स डी एक्स, ये तब जब फंक्शन जो है इवन फंक्शन, इवन, ठीक है, और अगर ऑड है तो जो आपका आउटपुट आएगा वो 0 आएगा, फंक्शन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि आप आसानी से उसको सॉल्व कर लें, ठीक है। अब जैसे कि अगर आपको हमको पहला वाला जो प्रॉब्लम था प्रॉपर्टी है उसको अगर मेरे को प्रूव करना है, ठीक है, पहला वाला कि आखिर उसको आया कैसे, ठीक है, तो पहला वाला कह रहा है एफ एक्स डी एक्स ए टू बी डी एक्स इंटीग्रल, ठीक है, और वो है एफ जेड डी जेड को जब इंटीग्रेट करते हैं ए टू बी तो दोनों का वैल्यू सेम होता है, ठीक है, तो ये सब एक दो नंबर में प्रूफ करने के लिए स्कूल एग्जाम में देता है। तो मान लिया हमने एक लिया ए टू बी, लेट्स से हमने एक्स स्क्वायर डी एक्स लिया है कोई फंक्शन और उसको हम ए टू बी इंटीग्रेट कर, ये मेरा कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बाय थ्री हो जाएगा, ठीक है, एक्स क्यूब बाई थ्री ए टू पी। अब यहाँ एक बार बी पुट करेंगे एक बार ए पुट करेंगे तो ये मेरा क्या होगा बी क्यूब बाई थ्री माइनस ए क्यूब बाई थ्री, यही होगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, आपको क्या दिया था वो जेड स्क्वायर डी जेड, ए टू पी जेड स्क्वायर डी जेड, अब ये देखिए ये भी तो वही आएगा, क्या हो जाएगा
क्यूब बाई थ्री ए टू बी। तो जब आप इसको डेफिनेट कीजिएगा तो ये क्या होगा, बी क्यूब बाई थ्री माइनस ए क्यूब बाई थ्री, ठीक है। क्योंकि आप लिमिट जब पुट करते हो तब वैल्यू आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी था वो आसानी से आप प्रूव कर लिए। ये काफी आसान है। सेकंड वाला प्रॉपर्टी तो आपका आसान है, वो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप उसका एग्जाम्पल ले सेकंड वाले का, जैसे मान लिया हमने लिया, यही लेते हैं ए टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये मेरा कितना आया, बी क्यूब बाई थ्री माइनस ए क्यूब बाई थ्री आ रहा है, ठीक है। अब हमने आपको बोला है कि उसका उल्टा कर देना, मतलब हमने आपको बोला था बी टू ए कर दे, बी टू ए एंड दिस शुड इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही बोले थे कि बराबर होगा। तो चेक करेंगे क्या बराबर आता है कि नहीं। ये मेरा माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री होगी, बी टू ए, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ रहा है, माइनस वन बाई थ्री आप कॉमन लो बाहर, तो ये मेरा आ रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस को एडजस्ट कीजिए तो ये क्या आ जाएगा, बी क्यूब बाई थ्री माइनस ए क्यूब बाई थ्री। तो आप देख रहे हैं कि प्रूफ में दोनों सेम आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स ए टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स बी टू ए, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करने। तो उसके बाद इंटरमीडिएट को भी आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हायर मैथमेटिक्स में आपको समझाया जाएगा, जिसमें हम लोग बाधा पत्ति नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एकाध क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे बता देते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो इंटीग्रेशन क्लियर हो जाए। तो लेट्स से आई गिव यू आई इज इक्वल टू 0 to 1 डी एक्स बाय रूट ओवर एक्स प्लस वन प्लस रूट है, क्या हुआ, ठीक है। अब इसको आप रैशनलाइजेशन मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अंदर में आप रैशनलाइज कीजिए इसको, रैशनलाइजेशन आपको करना आता होगा, ठीक है। मेरा क्या हो जाएगा, तो वन माइनस रूट है डीएक्स, और नीचे भी उसी से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसको आप एक ही जगह, तो ए स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा, मतलब एक्स प्लस वन माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक स्टेप यहाँ काट लिए हैं, ठीक है। आएगा रूट ओवर एक्स प्लस प्लस रूट एक्स इंटू रूट ओवर एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रैशनलाइजेशन आप 9th क्लास में सीखते हैं, आप इसको रैशनलाइज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो रूट प्लस वन एक्स प्लस वन हो जाएगा, और रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख, सॉरी ये चलो कि आपका नीचे बच रहा 1, ठीक है। तो मेरा बेसिकली ये प्रॉब्लम तो क्या हो गया, एक्स वन टू द पावर हाफ और माइनस, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर हाफ, ठीक है, कर लेंगे।
एक्स प्लस वन का क्या होगा, टू बाई टू तो पावर 3/2। और ये मेरा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1। और उसके बाद इधर मेरा क्या आ रहा है, तो फिर से 2/3 आ रहा है, एक्स टू द पावर 3/2। ठीक, यहाँ पे मेरा एक्स प्लस, ये एक्स प्लस 1 रहेगा। ठीक है, ये मेरा एक्स प्लस 1 को हम छोड़ नहीं सकते, मेरा 0 to 1, एक्स प्लस 1 है तो वो मेरा हो जाएगा 2/3। इसको हम सॉल्व भी कर देते हैं, इसको हटा के। ठीक है, तो कहने का मतलब एक्स प्लस 1 का आप टू द पावर हाफ, आपको पता है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 होता है डिवाइडेड बाय एन प्लस 1, तो दिस विल कम एज 2/3। और यहाँ एक्स प्लस 1 है तो एक्स प्लस 1 लिखिए, टू द पावर 3/2। और ये इसका अब 0 to 1 है। ठीक है, ये आप लिमिट लगाना ना, उसी तरह इधर भी आपका वही आएगा 2/3, और यहाँ एक्स टू द पावर 3/2 और 0 to 1। अब यहाँ पे आप एक पहले अपर लिमिट पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो जब अपर लिमिट पुट कीजिएगा तो 0 का तो कोई महत्व नहीं है, पहले वाले में महत्व होगा, दूसरे वाले में तो वो 0 हो जाएगा, तो उसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 2/3, और यहाँ आप 1 पुट कीजिएगा तो 1 + 1 2, 1 + 1 2 टू द पावर 3/2। ठीक है, अब 0 पुट कीजिएगा, यहाँ पे 0 पुट कीजिएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, -2/3। ठीक है, और 1 to the power 3/2 मतलब 1। ठीक है, इसको हम लिख ही देते हैं 1 to the power 3/2, जो आ रहा है वो लिख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा देखिए, इधर वाला तरफ ये कितना आ रहा है मेरा, 2/3, 1 to the power 3/2। ठीक है, और 0, तो 0 ये मेरा है सॉल्व करके आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इसको बाकी। ठीक है, तो 2/3 कॉमन ले लीजिए आप, 2/3 कॉमन ले लेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 2 to the power 3/2। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, -1 -1। ठीक है, -2। अब यहां से भी आप 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये मेरा 2 to the power 3/2 है, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 into 2 to the power half, और ये -2, मतलब अभी भी गुंजाइश है कि 2 हम कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो 4/3 हो गए, और अंदर में क्या बच रहा है मेरा, √2 बच और -1 बच। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये प्योर मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ बताने का मकसद ये था कि आपको प्रॉब्लम को समझें। ठीक है, अब एक दूसरा प्रॉब्लम आपको बताते हैं, क्योंकि फिजिक्स विजिक्स में काफी कॉमन है। ठीक है, जब आप वेव वेव पढ़िएगा, साइन कॉस पढ़िएगा, तो वहां पे इस तरह का प्रॉब्लम यू कैन एनकाउंटर। जैसे आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 to π/4 tan स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन tan स्क्वायर थीटा क्या होता है,
कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास, तो यू विल फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्योंकि आपके पास इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम उसको टैन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन में लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद इसको अलग अलग कर देंगे। सेक स्क्वायर थीटा का मेरे पास क्या आता है, टैन थीटा होता है फॉर्मूला, और वन का क्या होता है, थीटा होता है। टैन थीटा माइनस थीटा हो गया मेरा डेफिनेट इंटीग्रल। इसको हम लिमिट दे सकते हैं 0 to π/4। अब क्या करेंगे, सबसे पहले पाई बाई फोर पुट करेंगे, तो सबसे पहले पाई बाई फोर पुट करेंगे तो मेरा हो जाएगा टैन पाई बाई फोर माइनस पाई बाई फोर, ठीक है। उसके बाद आप मेरे को क्या पुट करना है, लोअर लिमिट पुट करना है, माइनस टैन 0 माइनस 0, ये मेरा लोअर लिमिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप देख सकते हो टैन 0 0 होता है, ये 0 तो ये पार्ट टोटल 0 हो गया, ये टैन पाई बाई फोर होता है 1 और 1 माइनस पाई बाई फोर, और ये पार्ट तो टोटल 0 हो गया, आपका आंसर यही। कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम जो है आपको इस टाइप का ही आपको मिलेगा, या सिंपल एक्स टू द पावर 5 पावर 7 रूट एक्स इस टाइप का आपको मिलेगा, ठीक है, जिसको हम लोग आसानी से डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक आता है एरिया निकाल, एरिया निकालने आपको एरिया निकालना है, इस तरह से लूप में एरिया निकालना है, तो डेफिनेट इंटीग्रल की मदद से हम एरिया निकालते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कहीं पे भी आप, ये काफी कॉन्सेप्ट, फाइंडिंग एरिया बाय इंटीग्रेशन, और ये इस ये फिजिक्स में काफी यूज होता है, खासकर जब एरिया निकालना रहता है, एरिया बाय इंटीग्रेट। ये बेसिकली लास्ट टॉपिक है आपका मैथमेटिक्स का, उसके बाद तो वेक्टर है वो भी मैथमेटिक्स में, ये लास्ट मेथड है जहां पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करते क्या है, हम लोग एरिया निकाल, जैसे कि हम आपको ग्राफ से समझाएं, मान लिया आप ग्राफ ऐसा है, ठीक है, ये आपका एक, ये आपका, ठीक है। अब आपको इस तरह का कोई कर्व दे दिया, ठीक है, कर्व, लेट्स से दिस कर्व इज y इज इक्वल टू fx। अब आपसे बोला जा रहा है व्हाट एरिया Described by this। सबसे पहले हमको करना क्या है, इस कर्व का जो एरिया है वो यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड हो, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ, अब ये परपेंडिकुलर मेरा किस पे ड्रॉ हो रहा है, एक्स एक्सिस पे ड्रॉ हो रहा है, ध्यान देना है। तो लेट्स से दिस इज दैट ए, प्रॉब्लम में आपका एक्स इज इक्वल टू 2 हो सकता है, जो भी हो सकता है, प्रॉब्लम में दिया है दिस इज एक्स इज इक्वल टू 3। x is equal to a का मतलब यहां से यहां तक का दूरी a, क्योंकि ये 0 0 होता है, ओरिजिन होता है, फिर ओरिजिन से ये जो दूरी है वो b है, तो x is equal to b होगा। इसका मतलब मेरे को जो इंटीग्रेशन है, अब एरिया जो होगा enclosed by the curve वो ये एरिया होगा शैडो, ठीक है, तो दिस इज द एरिया, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, अंडर द कर्व, कर्व मेरा क्या था, y इज इक्वल टू fx, ये था।
सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ए से लेके बी तक, क्योंकि कर्व कहां से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है, बी तक जा रहा है, तो मेरे को लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है, और क्या है y dx, क्योंकि फंक्शन मेरा fx dx है, तो fx dx लिखते हैं, जो भी फंक्शन रहेगा वो फंक्शन, ये मेरा फंक्शन, ठीक है। अब वो फंक्शन कुछ भी रह सकता है, तो आपको दिया रहेगा प्रॉब्लम, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ है, अब एक कर्व इस तरह का भी हो सकता है, मान लेते हैं ऐसे सेमी सर्कुलर कर्व, ये x है, ये x है, ये x इज ए पार्ट है, ये x इज बी पार्ट है, ठीक है, और ये जो कर्व का y इज इक्वल टू x, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, दिस एरिया शेडेड एरिया, ठीक है, दिस विल बी एरिया, this will be area. तो हम वही करें to be fx dx, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, जब कर्व का परपेंडिकुलर x एक्सिस पे कटता है, लेकिन जरूरी नहीं है को x एक्स कटे, आपका कर्व ऐसे भी ऐसे ऐसे, तब आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो किस आएगा, तो इस पे, ठीक है, ये है, तो आपका जो एरिया हो जाएगा वो ये हो जाएगा अंडर द कर्व, सो दिस विल बी द एरिया। तो ये चूंकि किस पे बन रहा है, वाई एक्सिस पे बन रहा है, इसीलिए जो ये मेरा फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, ठीक है, फंक्शन ऑफ x रहता अगर वो x पे आप उसको कैलकुलेट करते, यहाँ x किस पे, ये फंक्शन किसका है, y डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये कोई डिस्टेंस हम यहाँ से ले लेते, डिस्टेंस यहाँ से c है, ये d है, ठीक है, कहने का मतलब दिस इज y इज इक्वल टू d एंड दिस पोर्शन इज y इज इक्वल टू c, जैसे x इज इक्वल टू a आ रहा था, x इज इक्वल टू b आ रहा था, क्या है y इज इक्वल टू c से d है, यहां पे हम एरिया निकाल सकते हैं, सो दिस एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू इंटीग्रल, ठीक है। अभी मेरा कहां से कहां जा रहा है, c से d जा रहा है, तो c से d, और फंक्शन क्या है रहा? x dy है, x dy, ठीक है, तो y dx था, यहाँ x dy है, बस ये अंतर है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं भाई y is equal to fx dx, so x is equal to fy dy, ठीक है, c सुपी fy dy, हमने x is equal to fy लिया, बस जैसे हम करते थे वैसे करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये कर्व ऐसे इस कंडीशन में भी यही चीज अप्लाई होगा, अगर आपका सेमी सर्कुलर ये है, ठीक है, तब भी हमको एरिया जो है लगाना, ठीक है, तो ये आपका शेडेड एरिया, ठीक है। तो ये है तरीका आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का। अब हीट उट में, हीट के क्वेश्चन में आपको इस तरह का कर्व मिल सकता है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़िएगा, थर्मोडायनेमिक्स में जो आपका कर्व आ जाएगा वो इस टाइप का कर्व आ जाएगा, दो कर्व, एक ऐसा जा रहा होगा, फिर एक ऐसा जा रहा होगा, ठीक है, इस टाइप का कर्व आ सकता है।
अब जब इस टाइप का कर्व आपके पास रहता है तो आप क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, अब यहाँ आपको जो शेडेड एरिया दोनों में पड़ेगा ना कॉमन, उसको हम लोग लेंगे। तो ये मेरा शेडेड एरिया, इसको आप एक्स दे दीजिए, इसको वाई दे दीजिए, ठीक है। ये मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू ए है परपेंडिकुलर, और ये वाला पार्ट जो है एक्स इज इक्वल टू बी, तो मेरा लिमिट हो गया ए टू बी। दो कर्व है आपके पास, एक है पहला वाला कर्व है, ठीक है, ये मानते हैं आपका वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स, लेट्स से कोई एक फंक्शन, और ये मेरा दूसरा फंक्शन है, ये मान लेते हैं y इज इक्वल टू साई एक्स, है। तो जो मेरा एरिया हो गया, ये जो शेडेड एरिया जो होगा a, दिस विल बी कहाँ से कहाँ तक है लिमिट, a से b है, a b, लेकिन यहाँ पे ऊपर में कौन सा है, ऊपर में मेरा पाई एक्स है, उसको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन पाई एक्स को घटाना पड़ेगा, तब जाके मेरा कॉमन एरिया निकलेगा, और इसको फिर मेरे को, तो ये हो गया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, और ये कॉमन है जो कि आपको मिलता है, ठीक है, ए टेन थर्मोडायन। उसी में एक दूसरा कर्व का भी एग्जांपल दे सकते हैं आपको, कर्व ऐसा रह सकता है, ऐसा कट रहा है, अगेन ये कट रहा है, तो ये आपका एक्स इज इक्वल टू ए है, ए आपका एक्स इज इक्वल टू बी हो गया, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल बी हो गया। तो आपका जो एरिया, जो चाहे रिक्वायर्ड एरिया है, वो ये इन दोनों कर्व के बीच का एरिया है, तो दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड, ये आपका एरिया है, और ये फंक्शन मान लेते हैं आपका y इज इक्वल टू साई एक्स है, फाई एक्स है, और नीचे वाला साई एक्स, तो अगेन ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है वो फिट करता है, जो ऊपर है उसमें से छोटा नीचे वाला घटा लेंगे कर, तो लिमिट आपको पता ही है a टू b है, लिमिट आपका यहाँ ए टू बी है, तो ए टू बी, ऊपर वाला कर्व कौन सा है फाइव एक्स, उसमें से नीचे वाला कर्व को घटा दीजिए और सॉल्व करिए, तो यही सब प्रॉब्लम आपको पूछा जाता है। अब यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जो कि फिजिक्स में आपको काम आएंगी, वो है मैथ का कुछ और प्रॉपर्टी, एरिया, वो आपको सर्कल दिया रहता है, आपका सर्कल ये सेंटर है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स, और इसका रेडियस ए है, तो सर्कल का जो तो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको याद रखिए, फिजिक्स में सब यूज होता है, ठीक है। अब उसी तरह आपको पैराबोला दिया जाए, ये एक पैराबोला दिया जा सकता है ऐसे सिमेट्रिक अबाउट वाई, तो दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है आपका और ये वाई एक्सिस है, आधा आधा जो है वो इधर है आधा इधर है, मतलब इसकी जो सिमेट्रिकल है, तो दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, ये पैराबोला जो है इट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है।
इसके लिए जो इक्वेशन होता है वो होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो इस पैराबोला के लिए इक्वेशन ये है। अब एक पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ऐसा, और वो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस हो सकता है, ऐसा कि ये y एक्सिस के सिमेट्रिकल है, देखिए आधा इधर है आधा इधर है, ठीक है। सो दिस पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। अब इसके लिए जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है, यही है फॉर्मूला। जो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्स रहेगा तो 4x होता है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्स रहेगा तो 4ay होगा, ठीक है। और जो लास्ट स्ट्रक्चर जो आपको याद रखना होगा एलिप्स, ठीक है, जैसे ग्रेविटेशन में आप पढ़िएगा, तो एलिप्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो केपलर प्लानिटरी मोशन जब पढ़िएगा तो वहां आपको ये लॉ ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में जरूर पड़ता है, ठीक है। प्लानिटरी मोशन का है ये, मेरा एक तरह से समझिए ये आपका एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और आपका एलिप्स इस टाइप का है, ठीक है। अब ये आपका सेंटर है 0 0, ओ, ठीक है। ये मान लिया आपका ए ए डैश है, ये बी बी डैश है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है जो ए ए डैश होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। जो बी बी डैश है उसको हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं अगर ये डिस्टेंस a है यहां से यहां तक, तो ये भी a होगा इधर से इधर, उसी तरह y एक्सिस पे मान लेते हैं डिस्टेंस b है, ये भी b होगा। इसका मतलब a a डैश मेरा जो हो गया तो कितना हो गया 2a, और b b डैश कितना हो गया 2b, ठीक है। मतलब सेमी मेजर एक्सिस का जो लेंथ है 2a है, और सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ जो है वो 2b है, ठीक है, मतलब मेजर एक्सिस। अब इसी को हम लोग अगर सेमी बोलेंगे, सेमी मतलब हाफ कर देते हैं, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस, तो सेमी मेजर एक्सिस क्या होगी, दिस विल बी इक्वल टू 2a बाई 2, आधा होता है, दिस विल बी इक्वल टू ए, और ए क्या है आइदर ए ओ है और ए डैश ओ है, उसी तरह सेमी माइनर एक्सिस आपका हो जाएगा, सेमी माइनर एक्सिस। तो दिस इज इक्वल टू 2b/2, this is b and this is bo equal to ob dash, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि जो एलिप्स में फॉर्मूला है हमारा x square by k square plus y square by b square equal to 1, यहाँ जो a और b है वो सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस इस फॉर्मूला,
इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको कुछ एक मतलब पता सॉल्व हो। अब यहाँ पे आपको समझना है एरिया का प्रॉब्लम सैंपल। सो लेट्स एग्जांपल, दो एग्जांपल मैं आपको दूँ। एग्जांपल, लेट्स ड्रॉ एन इक्वल, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। लेट्स डिजाइन एनी स्ट्रेट लाइन कर्व, लेट्स से एक स्ट्रेट लाइन ऐसा मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और आपको बोल दिया कि ये जो कर्व है x = 4, दिस इज x = 4 कर्व लाइन, एंड दिस इज से लेट्स x = 6 लाइन। और जो कर्व है इसका हमने इक्वेशन दे दिया, लेट्स से y = 2x + 3। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व, व्हाट इज दिस एरिया, शेडेड एरिया, ये एरिया क्या होगा। ठीक है, सो यू नो दिस एरिया अंडर द कर्व इज गिवन एज इंटीग्रल, लोअर लिमिट क्या है 4 है, अपर लिमिट क्या है 6 है, फंक्शन क्या है y dx क्या है 2x + 3 dx, यही है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2x का क्या होगा, 2x² / 2 होगा मतलब x, और 3 का क्या होगा, 3x होगा मतलब डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होगी, x² + 3x। अब इसको आपको लिमिट पुट करना है 4 to 6। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 6 पुट करना है x की जगह, तो 6² + 3 * 6। अब इसमें से क्या घटाना है, 4 पुट करके घटाना, 4² + 3 * 4 जो वैल्यू है उसको अब आप पुट कर सकते हैं। ये कितना हो गया, 36 18 36 18 54 हो गया, ये 54 माइनस है माइनस, इधर हो गया आपका 16 + 12 = 28, 54 में से 28 घटा 26। 26 यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट होता है। मान लीजिए सेंटीमीटर है यूनिट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर है, तो मीटर स्क्वायर चाहे जो भी है हम उसको सिंपली स्क्वायर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके का हमने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व। अब आपको उसी तरह दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरा प्रॉब्लम हम देंगे आपको कि वो कर्व बने वाई एक्सिस, ठीक है, नॉट ऑन दी एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है। मान लेते हैं आपसे बोल रहा है कि y = 2 और एक लाइन यहाँ से पास हो रहा है आपका, ये लाइन है आपका, ये लाइन का इक्वल 2x, और ये लाइन जो है इसका इक्वेशन है y = 2, और ये लाइन जो है y = 0 हो गया, के बीच का जो एरिया है ये एरिया आपको, अगेन ये एरिया आप आसानी से निकाल सकते हैं। व्हाट इज दिस एरिया, एरिया इज वाई एक्सिस है ना, तो हमको वाई डी वाई निकाल, समझ में आ रही है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे, जीरो कहाँ तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है, हम करेंगे 0 to 2, मेरा लिमिट क्लियर हो गया। अब किस पे बन रहा है, वाई पे बन रहा है, तो एक्स डी वाई, ठीक है, समझ में आ रही है बात।
यही है आपका प्रॉब्लम। अब यहाँ y इज इक्वल टू 2x दिया है, y इज इक्वल टू 2x, तो x बराबर क्या होगा, x निकाल के यहाँ से y बाई टू हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे 0 टू 2 y बाई टू ए बाई, ठीक है। तो ये बाहर जाएगा मेरा हाफ, और ये मेरा हो गया वाई स्क्वायर बाई टू करके, ये 0। अब इसको जैसे हम लोग करते थे वैसा हम लोग कर लेंगे, तो ये मेरा 1/4 हो गया बाहर, और ये हो गया 2² - 0² अपर लिमिट डाले, ये 1/4 × 4 मतलब 1 square cube। तो ये एरिया हो गया आपका इस गिवन कर्व अंडर द कर्व। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम क्या किया, y इक्वल टू 2x से हम x निकाल लिए, ठीक है, और x x की जगह में हम उसको पुट करके सॉल्व। इस तरीके से हम लोग इसको प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब एक प्रॉब्लम और हम आपको बताएंगे और ये लास्ट प्रॉब्लम, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द पैराबोला। तो पैराबोला है आपका, ये आप मान लेते डायग्राम बना दिए हम, आपका पैराबोला इस साइड से है, सिमेट्रिक अबाउट दी एक्स एक्सिस है। सो लेट्स इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला y² = 4ax। अब आपको बोल रहा है कि ये लाइन आपको बताया हुआ है कि x is equal to 4 और x is equal to 9, लाइन जो है x is equal to 4, x is equal to 9, लाइन के बीच में एरिया क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज हम बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं, ये एरिया बोल सकते हैं। अगर हम ये एरिया बोलेंगे तो मेरा एरिया सिर्फ ये होगा, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि y² = 4ax और x = 4, x = 9, तब मेरा ये एरिया दूसरा वाला भी हो जाएगा, ये एरिया भी हो जाएगा। बट फिलहाल फॉर द टाइम भी हम बोलते हैं आपको कि मेरे को शेडेड एरिया निकाल के, ठीक है। एरिया कुछ भी पूछ रहा है, ये एरिया भी हो सकता है जिसको हम टिक कर रहे हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग हमको जो एरिया निकालना है, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड दिस एरिया, ये एरिया क्या है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम करते क्या है, ये जो हम y² = 4ax, तो y बराबर क्या हो जाएगा, √4ax हो जाएगा, ठीक है, √4ax। और मेरा जो एरिया हो गया, एरिया का जो फॉर्मूला है वो 4 to 9 जा रहा है मेरा लिमिट, तो लिमिट पुट कर देंगे 4 to 9, और ydx होता है, y dx होता है क्योंकि ये symmetrical about x axis, तो y dx। अब जो y का value है put कर देंगे हम, ये मेरा क्या हो जाएगा 4 to 9, y की जगह क्या था मेरा √4ax। अब इसमें से जो constant है उसको बाहर हटाइए, तो √4a constant है तो उसको बाहर चाहिएगा, रूट ए बाहर चला गया मेरा, अंदर क्या बचा, इंटीग्रल 4 to 9 √x dx, ये बचा। अब √x का आप जानते हो x^3/2 2/3 होता है, ये मेरा कितना हो गया 2 √a
और इसका सॉल्व करके मेरा हो गया 2/3 एक्स टू द पावर 3/2। अब इस पे आप सॉल्व करो, निकाल लो, ये मेरा 4/3 रूट ए हो गया, सारे कांस्टेंट बाहर। अब हम इसको पुट कर सकते हैं, एक्स की जगह 9 पुट कर, तो 9 टू द पावर 3/2, और फिर उसमें से लोअर लिमिट कटाएंगे तो 4 टू द पावर। अब जो यहाँ है प्रॉब्लम उसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, 4/3 रूट ए, 9 को हम 3² लिख सकते हैं, 3² × 3/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह 4² को हम 2² लिख सकते हैं, 3/2, ये टू कैंसिल हो जाएगा। मेरा आंसर क्या आ रहा है, 4/3 √8, और ये कितना हो गया, 3³ 27 और 2³ 8, तो 27 - 8, तो 27 - 8 19, 19 × 4 76 76, और डिनोमिनेटर में 3 और ऊपर में रूट ए भी, ये आपका प्रॉब्लम। कहने का मतलब है कि इस तरीके से आपको कर्व मिलेंगे, और आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सिमेट्रिकल है, किस एक्सिस के अराउंड, तो आप अकॉर्डिंगली वाई डी एक्स एक्स डी वाई आप इस्तेमाल करते हैं, और अकॉर्डिंगली आपका गिवन इक्वेशन से आप वाई या एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिमिट डालेंगे, और जैसे आप सॉल्व करते थे इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसको सॉल्व करके आप वैल्यू अराइव करेंगे फाइनल वैल्यू। ठीक है, ये काफी यूजफुल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये आपको फिजिक्स में काफी यूज होता है। तो सबसे ज्यादा जो डिग्री है ये बताया, आज का जो टॉपिक था वही एक्चुअली में हम लोग यूज करते हैं, एक दिन के लिए आपको वो बाकी का दिन पढ़ना है, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा जब तक आपको पीछे समझ आएगा। यही है आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया निकालना, ठीक है, और इसी का इस्तेमाल करके आप फिजिक्स का जो ठीक है हेलो।